देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की पहली महिला कुलपति होंगी डॉक्टर रेणु जैन। जी हाँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को पहली बार महिला कुलपति मिली हैं और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहला मौका है जबकि किसी महिला को कुलपति बनाया गया है। डॉक्टर रेणु जैन के बारे में बताया जाता है कि वे ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में गणित विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं और उन्होंने कई शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की हैं और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी रहा है। कुल मिलाकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए कई नाम आए थे लेकिन अंततः डॉक्टर रेणु जैन के नाम की घोषणा कर दी गई। कुल मिलाकर रेणु जैन के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मसलन विश्वविद्यालय का एक ग्रेड बचाने की चुनौती उनके सामने है क्योंकि अगले 2 महीनों में विश्वविद्यालय में नेक का निरीक्षण होना है। विश्वविद्यालय की परीक्षा परिणाम की व्यवस्था बुरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है, यानी कुछ व्यवस्था बची नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। इसके अलावा कर्मचारियों की नियमितीकरण और वेतन संबंधित प्रकरण भी लंबे समय से उलझे हुए हैं। विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के कई गुट हैं जो अपनी राजनीति करते रहते हैं। इन्हें भी साथ लेकर चलना रेणु जैन के लिए एक चुनौती होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीईटी पर उन्हें फैसला लेना होगा क्योंकि विभागों में अभी तक प्रवेश शुरू नहीं हुए हैं और इसकी अंतिम तारीख 15 अगस्त है। हालांकि रेणु जैन का यह कहना है कि वे सबसे पहले सीईटी में सुधार करना चाहती हैं। उनका यह भी कहना है कि विश्वविद्यालय को अच्छी ग्रेड दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कुलपति का यह भी कहना है कि पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले अधिकारियों की बैठक बुलाऊंगी, विश्वविद्यालय की क्या समस्या उसके बारे में चर्चा करूंगी। उनका यह भी कहना है कि उनके खिलाफ आज तक कहीं कोई शिकायत नहीं हुई है, न ही जाँच चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका सबसे पहला प्रयास यही होगा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को पूरे देश के विश्वविद्यालयों के समान एक सम्मानजनक स्थान दिलाया जाए, एक जगह दिलाई जाए ताकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नाम गौरव के साथ लिया जा सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।